लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। या इमाम जाफर सादिक, मेरे शोहर सही सलामत खुशहाल वापस लौट आए तो मैं हर साल 22वीं रजब को पाबंदी से आपके कुंडों की ये न्याज दिलाती रहूंगी। आप तो अल्लाह रसूल के प्यारे हैं, मुझ गरीब पे करम फरमाएं कि माबूद मेरी मुराद पूरी करे और मेरे शोहर को रोजी अता फरमा। फिर इस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लाडले बेटे हजरत यूसुफ को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया। फिर क्या हुआ आपा? फिर उसके बाद ताजरों का एक काफिला आया, उन्होंने कुएं में से निकालकर मिस्र के बाजार में बेच दिया। आपा, हजरत यूसुफ की तरह किसी नबी ने ऐसी मुसीबत नहीं उठाई होगी, है ना? बहुत खूब रजिया, तुमने तो हमारे बेटे पर जादू कर दिया। हम सईदा के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारे लाल के लिए तुम जैसा निगेबान पेश किया। हम भी कई दिनों से देख रहे हैं कि शहजादा तुमसे इतना मानूस हो गया है जैसे तुम्हारा ही लगते जिगर हो। जी हाँ, जब से शहजादे को रजिया की गुर्बत हासिल हुई है इन्होंने अपनी अम्मी हजूर के पास आना ही छोड़ दिया। कादिमा को शर्मिंदा न कीजिए सरकारे आली, मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। हमें डर है रजिया, हमारे जिगर गोशे को कहीं हमसे छीन लेने का तुम्हारा इरादा तो नहीं? बेगम साहबा, औलाद अपनी जन्नत छोड़कर कहीं नहीं जाती क्योंकि वो माँ के कदमों के नीचे होती है। हम तुम्हारे जवाब से बेहद खुश हुए। कल शहजादे की सालगिरह में इस खूबसूरत जवाब का इनाम दे। साहिबे आलम, चलाइए तीर, चलाइए ना, घबराइए मत, चलाइए। नहीं नहीं आपा, डर लगता है, कहीं निशाना चूक गया तो? मुझे आपके निशाने पे पूरा भरोसा है। तीर चलाइए साहिबे आलम, मुझे अपने आप पर भी भरोसा है, यही तो आपके इम्तिहान का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह। जीते रहो हमारे होने वाले नवाब साहब। ये सब आपकी इनायत है आपा। रजिया, ये तुम्हारा खत आया है।
मेरा खत और इस पता पर? तुम्हारे घर से किसी सईदा ने भेजा है। गुजर जाए। मैंने सच्चे दिल से इमाम जाफर सादिक के कुंडों की न्याज दिलवाई है। मैंने खुदा के हुजूर में नमाजें पढ़ पढ़ के दुआएं मांगी हैं। फिर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता कि एक दीनदार की न्याज और नमाज का ये सिला होगा। रजिया, रजिया, ओ रजिया। सलमा पापा, आपने मेरे रजिया को कहीं देखा? हाँ सलीम मियां, अभी अभी मैंने उसे दरगाह शरीफ की तरफ जाते हुए देखा है। दरगाह शरीफ? रजिया, मेरे सरताज, परवरदिगार तू बरहक है, तेरी इबादत बरहक, तेरा रसूल सच्चा, तेरा कुरान सच्चा, तेरे इमाम सच्चे, तेरे वली सच्चे और उनकी न्याज सच्ची। मगर तुम इतनी परेशान क्यों हो रजिया? ये सब अलीमुद्दीन की साजिश है। मगर तुम घबराओ नहीं रजिया, हमारी मुसीबतों के दिन खत्म हो चुके हैं। खुदा ने गैब से हमारी इतनी मदद की है कि अब हमें किसी का एहसान नहीं उठाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब नियाज की बरकत है। क्या एक लकड़हारे का महल पुरानी बारादरी के सामने जो नया महल तामीर हुआ है वो? एक लकड़हारे का नहीं, हमारे घर झाड़ू देने वाली नौकरानी रजिया का महल। रजिया? कौन रजिया? वही रजिया, हमने जिसे न्याज के लिए पेश की पैसे मांगने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था और बाद में सईदा ने जिसको जिद में आकर नवाब साहब के पास साहेब आलम की दीनी तालीम के लिए मुअल्लिमा की हैसियत से रखवा दिया था। उस गरीब की किस्मत जाग उठी जिसका दामन फटा हुआ हो वो यूं भर जाए, ये अकल सलीम कबूल करने को तैयार नहीं। लेकिन ये मौजूदा हुआ है और वो दोनों गुर्बत ज़दा फाका कश उसी महल में आबाद हो गए हैं। आखिर ये हुआ कैसे? कहते हैं कि कुंडों की नियाज दिलाने से रजिया की दुआ खुदा ने सुन ली और उसके शोहर को परदेश में ऐसा खजाना हाथ लगा जो किसी भी बादशाह के खजाने का मुकाबला कर सकता है। आज के जमाने में ये बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानी पर कोई यकीन नहीं करेगा बेगम। ये महल मेरी दूसरी तौहीन है। मैं चाहती हूँ वो दोनों भिकारनों ने की हुई मेरी बेइज्जती का बदला किसी सूरत भी लिया जाए। बेगम, हम खुद चलकर उस महल और महल वालों की हकीकत का पता लगाएंगे। ये महल जिस तरह खड़ा हुआ है उसी तरह गिराया भी जाएगा। रजिया, इस हार में मेरी जिंदगी की फतह मालूम हो रही है। इसकी क्या जरूरत थी? अल्लाह ने मुझे आपका तोहफा दिया है। इस कनीज के लिए इससे बढ़कर और क्या नियामत हो सकती? नहीं रजिया, तुमसे बिछड़कर जो दिन गुजारे बयान नहीं कर सकता। मेरी समझ में नहीं आता मैं रूह को जिस्म से अलग कैसे रख सका। मोहब्बत करने वाले दिल एक पल भी अलग नहीं रह सकते। जुदाई की घड़ियां भी इंतजार की लज्जत की वजह से खुदा आसानी से गुजार देता है। वो दिन याद आते हैं रजिया तो जी तड़प उठता है। फाका कशी में भी मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हारी याद हमेशा मेरे लिए अंधेरों में चिराग बन के जगमगाती रही। ये सब इमाम के न्याज की तोहफ़ा है।
तुम्हारी नमाज और मेरी नियाज ने हम गरीबों के दिन बदल दिए। तुम ठीक कह रही हो रजिया, जिस दिन खुदा ने मुझे खजाना अता किया उस दिन रजब की 22वीं तारीख थी। सदके जाओ मेरे इमाम के, जिसने हमारे आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दिए। रजिया, तुम अब सलीम लकड़हारे की नहीं सलीम सौदागर की बीवी हो, दुनिया की हर नेमत तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे मालिक, मुझसे इतनी मोहब्बत ना कीजिए कि मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। रजिया, तुम तो खुद मोहब्बत की इंतहा हो। ऐसी बातों पर यकीन करना जहालत है, अकीदे की कमजोरी है। कहीं ऐसा हो सकता है कि सिर्फ कुंडों की नियाज दिलाने से खजाना मिल जाए, इतना बड़ा महल खड़ा हो जाए? क्या मजाक है। सरकार, लकड़हारे सलीम ने भूख से तंग आकर डाका डाला है और ये मनगढ़ंत कहानी मशहूर कर दी है कि खीर और पूरी की नियाज से उसे खजाना मिला है। अगर ऐसा है तो इसकी तहकीकात की जाए हुजूर, और ताजी रात की दफा की रूह से चोर के हाथ काट डालने का हुक्म दिया जाए। तुम ठीक कहते हो शेर खान, अगर नियाज दिलाने ही से किसी के दिन फिर जाए तो दुनिया में कोई मेहनत मजदूरी नहीं करेगा। हम धोखा देने वालों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। हुजूर, नफ्स की रफ्तार तो ये कह रही है कि खुदा का फजल है, मिजाज बाखैरियत होने चाहिए। नहीं हकीम साहब, ना मालूम क्या बात है कि एक अनजाने खौफ की वजह से जी घबराता रहता है। ऐसे लगता है कि चैन और सुकून हमारे हाथों से कोई छीने लिए जा रहा है। ये तो कोई मर्ज नहीं, इल्मे तिब में इसे ज़हन और कल्ब का टकराव कहते हैं। नहीं नहीं हकीम साहब, इसमें तंदुरुस्त आदमी भी अपने आप को बीमार महसूस करता है। ये तो आप तसल्ली दे रहे हैं। नहीं नहीं, इसका ताल्लुक इंसानी नफ्सियात से है। हकीम साहब, खुदा के लिए बताइए, कोई खतरे की बात तो नहीं? चंद दिनों से हमारा दिल भी एक अजीब कश्मकश में मुब्तला है। हकीम साहब, हम आपसे इल्तिजा करते हैं, आप इलाज में कोई कसर न रखें। बेगम साहिबा, जो कुछ भी होता है वो आसमानी हुक्म से होता है। दुआ कीजिए, दुआ मोमिन का हथियार है। अगर दवा कारगर न हो तो दुआ कीजिए। अस्सलामुअलैकुम कलंदर बाबा। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटे। अल्लाह तुम्हें दीनों दुनिया की इज्जत और ईमान की दौलत से मालामाल रखे। कलंदर बाबा, आपकी नियाज की तबलीग ने तो हम गरीबों की तकदीर बदल दी। शुक्रगुजारी के तौर पर हमारी तरफ से नई तामीर होने वाली मस्जिद के लिए ये हकीर चंदा कबूल फरमाइए और दुआ कीजिए कि इस नियाज पर हम बदस्तूर कायम रहें। अल्लाह तुम्हारी निगहबानी करे, और बेटी बाकर के लाल तुम्हारी गोद भरे। ये रकम बेटे मैं मस्जिद के अराकीन को पहुंचा दूंगा। शुक्रिया।